डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेट्स मेजर्स। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं हाउ डिजस्ट्रा एल्गोरिदम बिहेव ऑन नेगेटिव वेट एजेस। मतलब अगर हमारे ग्राफ में नेगेटिव वेट्स दिए हुए हैं तो डिजस्ट्रा एल्गोरिदम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि इसके ऊपर गाइज काफी क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लाइक गेट में, नेट में, काफी जगह आए हुए हैं। आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी या इंटरव्यू में भी कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको एस्पेक्ट सारे के सारे क्लियर होने चाहिए। तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, अगर कर भी दिया है और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो शेयर करके, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेगेटिव वेट एज। सबसे पहले तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर नेगेटिव वेट कैसे हो गया, अभी तक तो पॉजिटिव वेट था, मतलब हम कहीं पे जा रहे हैं, डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होगा। इन टर्म्स ऑफ मनी की बात करें तो हमारे कुछ पैसे लग रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो पॉजिटिव होना चाहिए। शायद यही थिंकिंग जो है वो डिजस्ट्रा जी की भी होगी जब उन्होंने डिजस्ट्रा एल्गोरिदम को एक्चुअल में बनाया था। लेकिन जब हम रियल लाइफ एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम हमेशा मनी या डिस्टेंस की फॉर्म में ही मेजर नहीं कर रहे। ग्राफ की जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है वो केमिस्ट्री में भी है, अगर हम गूगल मैप की बात करें तो वहां पे भी हम लोग यूज कर रहे हैं, डीएनए मैपिंग में भी हम यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया नेटवर्किंग में भी बहुत जगह पे हम बड़ी चीजों को ना, जहां पे नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज्यादा है, हम उस चीज को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ मनी की बजाय लेट्स से आप इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी की बात करो। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी मतलब सोशल मीडिया में बात करें, हमारे पास कोई रिव्यूज हैं प्रोडक्ट के, पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव रिव्यूज हैं, तो हम उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्वियसली माइनस को ही रिप्रेजेंट जो है वो करेंगे। ऐसे ही लेट्स से अगर सिंपल से एग्जांपल देखो, अगर आप इन टर्म्स ऑफ मनी की भी बात करो तो जैसे छोटे होते हम लोग जाते थे नानी के घर गए, ठीक है, अब हमें पता है कि यार एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ट्रैवल करके नानी के घर गए तो 50 रुपए लेट से किराया लगा। अब वहां पे गए, खाया पिया, वहां से जब वापिस आ रहे हैं तो कई बार हमें मिलते थे ना पैसे, मिलते थे 100 रुपए दे दिए, 200 रुपए मिल गए, तो ऑब्वियसली वहां पे भी तो हम कहीं ना कहीं जितने रुपए हमने खर्च किए थे उससे ज्यादा हमारे पास आ गए, तो उस वे में भी आप बोल सकते हो। किसी भी फॉर्म में आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, इस चीज को मेजर कर सकते हो। तो ये चीज दिमाग से पहले तो निकाल दो कि नेगेटिव, इट इज नॉट ऑलवेज मनी, इट इज नॉट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस। अब देखो दूसरी चीज, डिजस्ट्रा एल्गोरिदम में जब भी नेगेटिव एज आ जाती है ना, नेगेटिव वेट एज आ जाती है, तो स्टूडेंट बंद ही कर देते हैं उसको, सॉल्व ही नहीं करते कि नहीं ये तो नेगेटिव आ गया, हमें पता है जी कि डिजस्ट्रा नेगेटिव पे काम ही नहीं करता। नहीं गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं आपको दो एग्जांपल यहां पे बता रहा हूं, नेगेटिव वेट्स यहां पे भी है, नेगेटिव वेट यहां पे भी है, लेकिन एक में काम कर रहा है और एक में काम नहीं कर रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि डायरेक्ट अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो ऐसा नहीं कि उसको सॉल्व ही ना करें। ऑप्शन में हो सकता है कि ये दिया हो कि इट विल नॉट बी एबल टू सॉल्व, नहीं, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश जो है वो जरूर करो। देखो मैं आपको बताता हूं, लेट से ये मेरे पास ग्राफ दिया हुआ है, ए बी सी डायरेक्टेड ग्राफ मैंने लिया है, ए मेरा सोर्स है, तो हमने सोर्स से स्टार्ट किया, मेरा ए जो है वो क्या है, सोर्स है, और बी और सी मेरे डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब सोर्स से मैंने स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली सोर्स सबसे पहले यहां पे तो डिस्टेंस कितना होगा, एक तरह से जीरो ही होगा। सबसे पहले यहां पे मेरा 10 था, शुरू में इनफाइनाइट होगा, पहले मेरे पास ये क्या हो गया 10 हो गया, और ये रिलैक्स करके क्या हो गया 5 हो गया, तो दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 5 वाला, तो मैंने 5 वाला जो है वो चूज कर लिया क्योंकि ये मिनिमम था, ठीक है, हमारे पास ये 5 आ गया। अब देखो सी के थ्रू, क्या सी के थ्रू कोई और रिलैक्स हो रहा है, नहीं, क्योंकि ये एज इधर से इधर नहीं जा रही, ऊपर से सी की तरफ आ रही है, तो अभी यही रहेगा। अब देखो 10 वाले को मैं फर्दर किसको कर दिया, 10 वाले को रिलैक्स कर दिया, मतलब ए सी, अब बी को भी मैंने रिलैक्स कर दिया। अब जब बी को रिलैक्स किया तो क्या बी के थ्रू कोई एज जा रही है, बी के थ्रू सी की तरफ कोई एज जा रही है, यस। अब देखो सी पे जाने की कॉस्ट जो है पहले थी यहां पे 5, अब देखो 10 - 3 क्या हो गई 8। बट गाइज ध्यान रखना, जब हमने एक बार, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिजस्ट्रा एल्गोरिदम का, कि जब हमने इसको रिलैक्स कर दिया ना, ए और सी को जब हमने ये रिलैक्स किया था, रिलैक्स करने का मतलब है कि ये मिनिमम वैल्यू है, इससे मिनिमम हो ही नहीं सकती। ये एक्चुअल में डिजस्ट्रा एल्गोरिदम ने जब बनाया था तो स्टार्टिंग में उन्होंने यही चीज बता दी कि यार अगर मेरा ए से सी पहले हमने 5 रिलैक्स कर दिया, 5 मिनिमम था, रिलैक्स करने का मतलब है अब हम इसको दोबारा कंसीडर ही नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी रिलैक्स हो चुका है, अब इससे मिनिमम ये
हो ही नहीं सकता। ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है डिजेस्टर एल्गोरिदम में। ऑल्दो अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो इसमें तो फिर भी ठीक है, 10-3 अगर आप करोगे तो 8 आएगा, और 8 5 से ज्यादा ही है तो आपको रिलैक्स करने की जरूरत भी नहीं है, ये ऑलरेडी मिनिमम ही है। तो इस केस में डिजेस्टर एल्गोरिदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, 5 और 10 आपकी कॉस्ट जो है वो यहां पे यहां जाने की बन जाएगी। अगर इसी एग्जांपल में मैं -3 की जगह -8 कर दूं तो देखो कैसे काम करेगा। तो स्टार्टिंग में भाई A, B, C, तो देखो A से जाने की कॉस्ट ऑब्वियसली 0 है, B और C की कॉस्ट स्टार्टिंग में क्या होगी, इनफाइनाइट। अब रिलैक्स किया तो ये 10 हो गई, इसको रिलैक्स किया तो ये क्या हो गई, 5। ठीक है, तो सबसे पहले मिनिमम कौन सी है, 5, इसको मैंने रिलैक्स कर दिया, इसको मैंने फिक्स कर दिया कि मेरी ये कॉस्ट जो है वो मिनिमम मेरे को मिल गई, A से C जाने की कॉस्ट मिनिमम मिल गई, दैट इज 5। अब इसको मैं छेड़ूंगा ही नहीं। अब देखो नेक्स्ट मेरे पास C के थ्रू कोई हो रही है रिलैक्स, नहीं हो रही, कोई एज नहीं है। नेक्स्ट मिनिमम कौन सा, B वाला, मतलब मैंने A से B वाली कॉस्ट भी फिक्स कर दी, दैट इज 10। लेकिन जब हमने A से B वाली कॉस्ट फिक्स कर दी 10, अब B के थ्रू जब हम रिलैक्स करेंगे तो देखा कि यार एक एज है जो B से C जा रही है -8, तो 10-8 क्या हो गया, 2। यानी A से C मैं 5 कॉस्ट में जा रहा हूं जो कि ऑलरेडी मैंने फिक्स कर दिया। लेटर ऑन पता लगा कि यार थ्रू B अगर जाते हो ना तो 10-8 2 में जा सकते हो, कम कॉस्ट में जा सकते हो, तो यार ये तो 5 से फिर 2 होना चाहिए था। लेकिन अब हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज वंस इट इज फिक्स्ड, इट इज रिलैक्स्ड, इट इज फिक्स्ड, अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते। बट क्या ये मिनिमम कॉस्ट है, नहीं ये मिनिमम कॉस्ट नहीं है, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट तो 10-8 2 होनी चाहिए थी। तो इस केस में आप बोल सकते हो कि डिजेस्टर एल्गोरिदम जो है वो आंसर तो दे रहा है बट गलत आंसर दे रहा है, लेकिन इस केस में आंसर तो दे रहा है सही दे रहा है। ऑल्दो यहां पे भी नेगेटिव है, यहां पे भी नेगेटिव है। तो इसी वीडियो में मैं आपको ये बेसिकली पॉइंट बताना चाहता हूं कि नेगेटिव वेट को देखते ही बंद मत करना, सॉल्व करना, उसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना। वो आंसर दे भी सकता है और आंसर नहीं भी दे सकता, दोनों ही केस जो है, क्योंकि ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, डिजेस्टर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो बनाया था वो पॉजिटिव वेट्स को लेके ही बनाया था, और वंस इट इज फिक्स्ड, जो वैल्यू फिक्स होगी अब हम उसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ऑल्दो हो सकता है उससे कम वैल्यू हो जाए लेटर ऑन। तो इसीलिए ये चीज इसी तरीके से काम करती है डिजेस्टर, जैसे हमने ऑलरेडी एग्जांपल किए थे उसी तरीके से आप परफॉर्म करना। इन केस आपको नेगेटिव देते हैं तो परफॉर्म कर सकते हो, ऑल्दो गेट में भी 3-4 बार क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ, आप उनको भी सॉल्व कर लेना, बट ये इसी तरीके से परफॉर्म करता है। तो लेटर ऑन हम बेलमैन फोर्ड की बात करेंगे जो एक्चुअल में माइनस एजेस पे भी, नेगेटिव पे भी वर्क करता है, कैसे करता है नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। थैंक यू। वीडियो तो आई थिंक समझ आ गई होगी आपको, सारे जो पॉइंट्स बताए हैं ये दिमाग में आपके चल रहा होगा कि सर 10-3 किया तो 8 कैसे आ गया, एक्चुअल में गलती से यहां पे 8 लिख दिया, बट इट इज एक्चुअली 7। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। थैंक यू।